जय हिंद दोस्तों, ये ओबराय डेयरी लुधियाना। कालू जी हैं, बोलू जी हैं, तरनदीप हैं जो संचालन करते हैं इसका। किसान यहाँ पर आए हुए हैं, कम से कम 6-7 राज्यों के हैं, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटका से हैं, राजस्थान हैं, झारखंड से हैं। तो मिलाते हैं इन सब लोगों से, जो गाय इन्होंने खरीदी है तो कीमत लगा दी है 3.5 लाख के लगभग। हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, बाकी आप देख के बताना कि क्या है। कालू जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार। नमस्कार। तो कहाँ के व्यापारी आए हुए हैं अपने पास? महाराष्ट्र, पूना, झारखंड, केरल, बेंगलोर, बहुत सारे राज्यों के। हाँ जी, राजस्थान, जयपुर, हर जगह से आइए। और डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? कानोड़ी संदीप, महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है, आइए। क्या नाम है आपका? सोमनाथ टिंगरे। सोमनाथ टिंगरे, नितिन टिंगरे। अच्छा, दूसरी बार आए, ठीक है, आइए। आप भी दूसरी बार आए? हाँ, क्या नाम बताया? यूनुस। यूनुस, पिछली बार 3 गाड़ी लेके थे जो। बाला साहब कानवड़े। बाला साहब कानवड़े, संगम ने। पहली बार आए? पहली बार। किसान है? किसान, आइए। क्या नाम है? सोपन कौड़े। सोपन कौड़े, पहली बार। पहली बार, आइए। नारायण टिंगरे। नारायण टिंगरे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, पहली बार? नहीं, दूसरी बार आए। दूसरी बार आए, पहले कितने ले गए थे? पहले 18 लेके गए थे हमारे चाचा। सही है? सही है, आइए। क्या नाम है? विजय कानस्कर। विजय कानस्कर, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र, पुणे से। पहली बार आए? हाँ, पहली बार। धन्यवाद, आइए आइए। तरनदीप जी, हाँ भाई, कहाँ के आदमी हैं? महाराष्ट्र। मिलाओ मिलाओ, आओ भैया, पीछे जाओ, तरन पीछे लग जाओ। क्या नाम है? अमोल पालवे। अमोल पालवे, हाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, पहली बार आए? पहली बार आए। चलिए, नमस्कार। नमस्कार, पहली बार? पहली बार आए महाराष्ट्र से। देवा पाटिल। देवा पाटिल, यस, क्या बात है, स्वागत है। वृंदा जी, क्या नाम है? रमेश सिंह शेखावत। रमेश सिंह शेखावत, राजस्थान से? राजस्थान से। क्या बात है भाई, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। डिस्ट्रिक्ट जयपुर से, क्या पहली बार आए? पहली बार। ध्यान से खरीदना। ध्यान से ही खरीदे, आइए। हेलो सर, कर्नाटका से? यस सर, आई एम नारायण स्वामी, कर्नाटका। बेंगलोर से। ही इज योर सन? ही इज माय सन, बाय नेम अश्विन। हेलो सर, व्हाट इज नोन? अश्विन। अश्विन, पहली बार? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम आ रहा हूं। ओके, क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस, हां जी। क्या करते हैं? बस डेयरी का काम है। डेयरी का, हां जी। कालू जी, बहुत बढ़िया गाय दिखा रहे हो। हां जी, कर्नाटका के लिए? हां जी, बेंगलोर। दाम कितना लगाया? दाम इन्होंने 1,15,000। 1,15,000, हाँ। तुमने कितने रखे हैं? सब मेरे ही है जी, मैंने अपने घर से दिए ना जी। सही बताओ, घर से दिए तो? हाँ, तुम्हारे कैसे हो? तुम खरीद के लाए हो? नहीं, जाए खरीद के लाए, अपने घर से दी तो मेरे ही हुए ना जी। अच्छा। पहले तो जाए लगा के। पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार आए। पहली बार। कितना दूध देने वाली है? दूध ये देगी अपना 38 से 40 लीटर फर्स्ट टाइम में, अभी 4th है। कैसे कहते हो? ब्रीड के हिसाब से। कौन सी ब्रीड की है? पहला, फर्स्ट 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 टाइम है। चार दांत है? चार दांत। दिखा दिखा। अच्छा, आइए। तो कितना समय मांग रही है? हाँ जी, कितना समय मांग रही है? समय नहीं जी, बच्चा दिया है, कल ही बच्चा दिया है। कल ही दिया? क्या दिया? कल रात का दिया हुआ है, और पीछे फीमेल है। ओ, मेल है। मेल है, मेल है। अच्छा, हाँ जी। तो कितने खरीदे आपने? 6 गाय। 6 तो कितने हैं आपके पास पहले वहाँ? उधर है 14। 14 है, 20 तक है। हाँ, वो बच्चे भी मिल के। तो दूध कितना हो जाता है? दूध अब एवरेज क्या है? हर दिन 5 से 6 तक आता है हर गाय का। अच्छा, मतलब अभी क्या है, लैक्टेशन एंड पे है हमारा। अच्छा, प्रेग्नेंट है सभी। अभी हमको ऐड करना पड़ता, नहीं है तो और कम होता जाएगा, और अच्छा नस्ल का भी नहीं। तो ब्रीड क्यों नहीं तैयार करते वहाँ पे? अभी ब्रीड तैयार करने के लिए आया है सर हम। कितना पढ़े हैं आप? मैं एमबीए एजुकेशन एमबीए की हूं। तो आपकी कितनी एजुकेशन है? मैं आया से प्रोफेसर। प्रोफेसर, 2 years ago माय रिटायरमेंट। ये छोटे कद की? मीडियम हाइट की। क्या दाम की? ये 1,05,000 की। इतना दाम लगाया आपने? 1,05,000, क्या सोच के लगाया?
सर हमको ब्रीड होना चाहिए, दाम का मतलब नहीं है। हाँ। इस दाम पे भी क्या होता है, हमको बेंगलोर में ऐसा नहीं है, मिलता नहीं है। हाँ। वो मिल जाता है। हाँ। फिर क्या है, वो ब्रीड वाला नहीं मिलता। तो जो पहले आपने ली वो बता रहा कितना, 1.10 बताया, 1.15। तो आपने उसकी मिल्किंग करवाई अभी सुबह, करवाया है हमने। कितना निकला, कितना निकला था? 12-14 किलो निकले। तो अभी एक और देखोगे, ले जाओगे? नहीं अभी शाम को, फिर शाम का एक बार देखेंगे। और आज कम निकलोगे फिर? कितना बताया इन्होंने, 40 तक? 40 तक, फिर तो टाइम तो मांगता नहीं, अभी तो कल 14-12 है, तो आज सुबह खाली नहीं कर सकते। हाँ, काले भी नहीं करते, नहीं कर सकते। तो ये कौन सी ब्यांत की है? ये अंकल सेकंड की है, सेकंड टाइमर है ये। हाँ जी। और कितना समय मांग रही है? समय अभी 15 दिन बाकी है इसको। ये कुछ क्रॉस में है? नहीं नहीं, प्योर एच एफ। प्योर में? प्योर एच एफ में। अच्छा, वैसे खूब अच्छी पली हुई है, पली हुई और अच्छे ब्रीड की है, फार्म की। कितना देगी दूध ये? दूध ये 35 से प्लस जाएगी। आपका अनुभव क्या कहता है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? सर हमारा अनुभव क्या है, अभी तक तो 20 हमने निकाला है, 20 तक अभी तक का। अच्छा, हमने 20 के ऊपर निकाला ही नहीं है। हाँ। तो इसका अनुभव के ऊपर हम आए हैं, इनके भरोसे पर, इनके भरोसे, हमारे भरोसे पे नहीं, इनके। सर आपका पहला, दूसरा हमारा देख वो इसके। हम तो हर आदमी को ये कह देते हैं, भाई देखो भगवान ने ये सृष्टि चलाई है, इंसान पैदा किया, उसमें के अंदर बुद्धि रखी है, तो भरोसा उसको करो और उस बुद्धि का इस्तेमाल करो, हम पे भरोसा मत करो। कालू जी, हाँ जी, बड़ी अच्छी गाय दिखा रहे हो हैं। तो ये कितना दूध वाली? सिलेक्शन भी इनकी बहुत अच्छी है जी। कितने दूध वाली है? दूध ये 50 लीटर वाली है जी। 50? हाँ जी, 43 इसने पहले बेहतर में दिया। कमाने के लिए, बेचने के लिए कह रहे हो या देगी? नहीं देगी, ये बेचने वाली नहीं, क्वालिटी देखो गाय की, आप नबाई और चीज देखो। सर हमने जो 2-3 बार देखा है, 10-10 लीटर निकाला, वो भी पूरा नहीं निकाला। अच्छा, 10 नहीं, ये ब्याह चुकी? एक बार तो 3-4 निकाला, ब्याह चुकी है? ब्याह चुकी है। क्या दिया इसने? कल मेरा फीमेल है? मेल मेल। अच्छा, सभी मेल ही है। तो कितना निकाला इसने? जो कल सुबह 1-3 निकाला, शाम में अराउंड 8, फिर रात में भी उतना ही है अंदाजा, 6-7। 3 दिन बाद आ जाएगी 20-22 लीटर पूरे दिन में। अभी खाली खीस खाली है, वो भी पूरा खाली नहीं निकाला। कौन सी ब्यांत की है ये? दूसरे सेकंड पे। तो इसका दाम कितना ऊंचा लगाया हो? दांत इसका जी 135। 135? 1,35,000। अच्छा, हाँ जी। तो सुमेर जी, ये जितनी गाय अच्छी खरीद रहे हैं, तो इस ढंग से वहाँ फीडिंग करोगे? करेंगे सर। तो अब तो सेंसर आ गए हैं, वो लगा देते हैं, सबको बता देता है बीमार है, खाती है नहीं खाती है, दूध कितना निकाला। अभी क्या है हमारा, नहीं आपने इंतजाम किया ये सारा देखा डी लेवल का? हाँ। जो करने के लिए हमारा क्या है, पहला हमको गाय सेट होना, गाय ठीक करवाना, क्योंकि हमारे पास कम गाय है, हमारे पास तो 14 गाय है, अभी जाके बढ़ाना है। जब बढ़ेगा वो सारा लेने में थोड़ा सा फायदा होगा, नहीं है तो उसमें लगा के इधर गाय नहीं दूध नहीं है वो लगा के वो बर्बाद। प्रोफेसर साहब, इतने पैसे खर्च दोगे आप? ये मेरा बेटा का व्यवहार है, मैं हूँ इधर इनको मदद करने में, मदद के लिए वो उधर सारा मेंटेनेंस, मतलब मन बना लिया वो करता हूं। तो आप फॉरेन नहीं चलेंगे इतना पढ़ने के बाद? तो कौन सा सर, विदेश क्यों नहीं चलेंगे? ना सर, वो इधर तो मेरे को क्या पैसा, है, पैसा ज्यादा है। मेरा क्या है, पहले से वो एनिमल्स का बहुत शौक है, मेरा पास तो डॉग्स फिशेस सब है। नहीं तो ये आके और शौक बढ़ गया। फैलो जो है वहाँ पर दूसरी कंट्री में होंगे तो बात करें, आपका मन नहीं करता फिर? है मेरा वाइफ भी जाके आया हुआ है जापान सब जगह, तो फिर आपका मन नहीं करता अभी चले वहीं? ना सर, इधर रहेंगे वो पैसा कमा के जाके घूम के वापस आ जाएंगे। अब ये दो जोड़े में? हाँ जी। तो क्या दाम है? दाम ये अपना 2,10,000। 2,10,000, 1-5 की, एक दोनों दो दो दांत की है, दोनों दो दो दांत, दो दो दांत ब्रीड में? ब्रीड में। कितना समय मांग रही है? समय ये 40 डेज और वो मिनिमम 30 डेज या 25 डेज। अच्छा, हाँ जी। तो दूध कितना होगा? दूध दोनों का मिलाएंगे तो 65 प्लस ही जाएगा दोनों का मिला। हाँ जी। तो 2,65,000 दूध मिल गया, लेकिन खाना डबल बोलना। साथ में ये कि ये यंग एज की बछड़ी है। अच्छा, ये 10-12 साल अपने घर पे बहुत ही अच्छे वो लेवल पे इसको रख सकते हैं वो। अच्छा कालू जी, वो हम लोग बात कर रहे थे धातुओं की, तो पहले हम लोगों ने कही थी कैल्शियम की बात, तो आप कैल्शियम के बारे में जानते हैं? हाँ। क्या है? जो जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो कैल्शियम से, दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर बोन प्रोडक्शन एंड अदर थिंग्स, वो तो बेसिक है वो गाय के लिए। तो कैसे पूर्ति होगी उसकी? जो हम कैल्शियम टॉनिक डालते हैं, जब बच्चा डालते हैं हमारे पास वो कैलब जेल करके वो कारगिल का एक होता है, वैसे और एक अभी वो करके एक कंपनी का है, वो दो सारा डालते हैं वो
कैल्शियम का, और हमारा फीड में ही वो थोड़ा सा लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स का फीडिंग यूज़ करते हैं, उसमें नेचुरल कैल्शियम का उसमें उपलब्ध होता मतलब है। मतलब अगर नेचुरल ढंग से पूरा करना होगा तो क्या करेंगे वो फीड ये में काली ने ऐसे बताया चारे में फीड में ही नहीं वो भी है हमारा चारे में ऐसा ना नेचुरल हमने डालना जैसे देसी ढंग से जो चूना होता है उसको अगर हम जहाँ पे गाय पानी पीती है अगर उसमें हम चूना भी डाल देते हैं या उसका लेप भी कर देते हैं तो वो भी पानी जो है ऑटोमेटिक कैल्शियम पूरा करता है। अगर हम ओरल नहीं दे सकते बाहर से नहीं खरीद सकते तो वो सस्ते से भी पूरा कर सकते हैं। उसका तो थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स है चूना पानी का मेरे पास जो है थोड़ा सा अच्छा, क्या? अभी भी वही देख रहा क्या? था अच्छा बताना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसका वो जो क्या अगर ऐसा करें तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ना वो टेक्निकली मेरे को क्या पता नहीं वो जो मेरे को मैसेज आया हुआ है ऐसा कुछ चूना पानी से थोड़ा सा दिक्कत अच्छा, है वो जो कैल्शियम का डालने का ही अच्छा है करके अच्छा, थोड़ा अच्छा, सा अब जब आप दोबारा आओगे तो इस संबंध में जानकारी इकट्ठी करके आना अभी ले रहा हूँ सर फिर साझी करेंगे।